Why me? Why situation comes to me? The secret is that the time now which we are passing through, it's a time to clear everything which we have been doing in the past many worlds. जैसे सवेरे आप जब उठते हैं, you feel fresh, right? दोपहर को थोड़ा ऐसा, you feel weak. शाम को और weak. रात तक, what about the energy level? You feel very tired. छोटी सी बात भी, you feel more irritated. Because the energy level has gone very, very, very down, very, very, very low. That is the condition of every soul which is playing role today. Every soul has reached a point where it is passing through a very low energy level. That's why किसी के साथ भी छोटी सी भी परिस्थिति आए react करते हैं. छोटी सी भी सिचुएशन को सामना करने की आज ताकत नहीं है क्योंकि यहाँ पर एनर्जी लेवल बहुत लो हो गया है. We played a very good role in the golden age. We passed, then we reached the silver, copper, and now we have reached the iron age. That is the last point. And यहाँ पर पहुँचते, we have reached the point where our energy level is very, very, very down. One point is that our level, energy level is also down. जिनके साथ हम रहते हैं, जिनके साथ हमारा connection है, either at profession or at family, उनका energy level कैसा है? उनका energy level कैसा है? Low है. But हम expectation उनसे करते हैं, तो हमसे प्यार से बात करें, हमको खुशी दे. जब हम घर पहुँचते हैं, husband wife से expect करता है, पानी पिलाए. वाइफ एक्सपेक्ट करती है, देखो आए मेरे से प्यार से बात भी नहीं किया. तो दोनों का एनर्जी लेवल कम होने के कारण दोनों का एक्सपेक्टेशंस है, तो दोनों वो फुलफिल नहीं कर पा रहे क्योंकि बहुत लंबी यात्रा करके यहाँ पर हम पहुँचे हैं जो पॉइंट, उस पॉइंट में हमको छोटी सी बात भी बहुत बड़ा लगने लगता है. प्रॉब्लम इतना है, द प्रॉब्लम इज ओनली दिस मच. आई एम सिटिंग एट वन प्लेस, आई एम थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम का साइज क्या हो रहा है? इन रियलिटी प्रॉब्लम इज ओनली दिस मच. हियर व्हाट अबाउट हियर? द साइज ऑफ द प्रॉब्लम इज वेरी बिग. सी, वी आर रनिंग सच अ वेरी बिग स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन विच द हेडक्वार्टर्स इज एट माउंट आबू. आप लोग घर में चार लोग रहते होंगे, पाँच छः मैक्सिमम. आपके घर में चैलेंजेस नहीं आते? आते हैं ना. सो बीइंग सच अ स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन विद थाउजेंड्स ऑफ पीपल कम एंड गो एवरी डे एंड 500 पीपल लिव परमानेंटली इन वन प्लेस, चैलेंजेस नहीं आएंगे? नहीं आएंगे. हमारे पास 15,000 का लिस्ट आता है, पहुंचते हैं 20,000 लोग. कितने भी हज़ार लोग माउंट आबू पहुंचे, बाहर से खाना नहीं मंगाते हैं, वहीं खाना बनता है. इज़न्ट इट अ चैलेंज? आपके घर में एक गेस्ट जब एक्स्ट्रा होता है तो सोचना पड़ता है कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है. हाउ वी आर मैनेजिंग? वी आर नॉट टॉकिंग एनीथिंग दैट इज जस्ट इज विच इज इमेजिनेशन. शांति से रहना है, प्यार से रहना है, खुशी से रहना है, टेंशन नहीं लेना है. वी आर प्रैक्टिकली डूइंग ऑल्सो इन मॉक टाबू. इफ यू कम एंड सी हाउ मच सर्विस इज हैपनिंग. दैट्स व्हाई वन थिंग आई नीड टू अंडरस्टैंड दैट इफ आई एम एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम एनी ह्यूमन बींग, I am in a wrong position because that person's energy level is very low. If I am expecting, I will get disappointment and nothing else. That understanding humko lena hai. That is in the technology. Go with it. Be matured. वो maturity आती है जब हम meditation practice करते हैं, जब हम spiritual बनते हैं. That's okay. जैसे हम घरों में देखते हैं हमारे दादा दादी parents, they live a life. एक घर में 10-15-20 लोग भी आज भी विलेज में रहते हैं. अभी हस्बैंड वाइफ को छोड़कर बोले केवल हस्बैंड वाइफ आप दो एक घर में रहो तो भी पॉसिबल नहीं है. क्यों? एनर्जी लेवल डाउन है. तो मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन इज अ मेडिटेशन दैट वर्क्स ऑन द कॉन्शियस, दैट वर्क्स एट द कॉन्शियसनेस लेवल, जिससे हमारी मैच्योरिटी बढ़ती है, अकोमोडेटिंग पावर बढ़ता है. So that's why let us not carry any burdens of weaknesses of anyone.
So let